नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। खबरों का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है। अगर बदायूं की बात की जाए तो प्रत्येक दल मंथन करने में जुटे हुए हैं कि बदायूं की किस सीट से किसे उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन बीएसपी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रखे हैं। वहीं दातागंज 117 विधानसभा सीट पर बीजेपी की बात की जाए तो कई संभावित प्रत्याशी मैदान में है। यही हाल सपा का है, लेकिन बीएसपी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। इसी को लेकर बीएसपी दातागंज विधानसभा प्रत्याशी रचित गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विजय राठौर ने। क्या कुछ कहा रचित गुप्ता ने, आप भी सुनिए। जिस तरह से बदायूं की राजनीति गर्मा रही है, उसको देखते हुए जो भाजपा के जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो छोड़ करके कहीं ना कहीं सपा में शामिल हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 2022 की जो राजनीति है या जो पारा चढ़ रहा है, वो चढ़ करके कहाँ पहुँचता है। आने वाले जो 14 फरवरी को चुनाव हैं, उसमें जा करके जो है किस तरफ वोट जाएगा, अब देखने वाली बात है। अगर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम आज पहुंच चुकी है दातागंज 117 विधानसभा पे, और हम यहां से बात करेंगे बीएसपी का जो प्रत्याशी हैं, यहां से घोषित प्रत्याशी हैं रचित गुप्ता। अब देखने वाली बात है कि बीएसपी अन्य पार्टियों की अपेक्षा उनमें मंथन शुरू है, किसको प्रत्याशी घोषित किया जाए, किसको उतारा जाए। इसको देखते हुए कई बदायूं से दिग्गज नेता पार्टी छोड़ छोड़ के दूसरी तरफ चले गए हैं। आज अगर हम बात करेंगे यहां से जो प्रत्याशी हैं रचित गुप्ता, उनसे जानेंगे कि एक बड़ा जो है मुद्दा भी है, एक बड़ा समस्या भी है कि जिस तरह से वर्चुअल मीटिंग 15 तक जैसे कि प्रशासन ने रोक लगा दी है, किसी तरह की मीटिंग नहीं कर सकते, किसी तरह की नहीं कर, तो क्या डिजिटल माध्यम से कैसे संभव हो पाएगा? आजकल सोशल मीडिया का टाइम है और डिजिटल माध्यम ही एक ऐसा माध्यम है कि हम जल्द से जल्द लोगों के पास पहुँच पाएंगे। बीजेपी ने इसको लगा के अपनी एक बिल्कुल जिसे कहते हैं हतोत्साहित वो हो चुके हैं, क्योंकि उनकी सारी रैलियां तो फेल हो गई थी और 15 तक जब आचार संहिता इन्होंने लगाई है और उसी दिन ये लगा देते हैं कि 15 तक हम रैली कर सकते हैं या परमिशन ले सकते हैं। 15 तक तो वो परमिशन हम सिर्फ इसलिए नहीं ले सकते, आदरणीय बहन जी का जन्मदिन उस दिन मनाया जाता और पूरे देश में पूरे प्रदेश में ऐसा जनसैलाब उमड़ जाता कि बीजेपी को पता चल जाता हाशिए पे पहुंच चुकी है। और आज दिन भर में मैंने जो अभी थोड़ी देर में मीटिंग में था, लेकिन न्यूज़ में देख रहा था कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी भाग गए, हमारे पड़ोस की विधानसभा से रोशनलाल वर्मा जी भी भाग गए। ऐसी भगदड़ मची है कि वो उस भगदड़ को रोकने में भी नाकामयाब हैं। और डिजिटल माध्यम से अगर कन्विंसिंग होगी तो ठीक है, हमारे देश की जनता ठीक रहेगी और हम लोग अच्छी तरीके से वो भी मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। जिस तरह से रजित जी, जिस तरह से बीजेपी में भागम भाग पड़ी है, सपा में लोग शामिल हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि 2022 में बीएसपी को कितना फ़ायदा हो पाएगा? आप देखिए, जो लोग भाग रहे हैं वो लोग बीजेपी में भी कहीं बाहर से ही आए थे, बीएसपी का प्रोडक्ट थे। जो लोग भागे हैं, दोनों हाथ जो भागे हैं, वो बीएसपी का प्रोडक्ट थे। और हमारा वोटर, आज सुबह भी एक पत्रकार महोदय मुझसे बात कर रहे थे तो मैंने कहा हमारा वोटर बहुत साइलेंट है, बहुत शांति से अपना काम करेगा। और इस भगदड़ को ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी कहीं है ही नहीं अब, और एंटी बीजेपी वोटिंग होगी और 100% बीएसपी अपनी सरकार 2022 में बनाएगी। एक देखने को ये भी मिल रहा है कि अगर 2022 की बात की जाए तो 2022 में जैसे कि एक मुकाबला था सपा और भाजपा का, तो अब तो धीरे धीरे लगता है कि जो है सपा और बीएसपी का ही मुकाबला देखने को मिलेगा। रजित जी, मैं आगे जानना चाहूँगा कि आप जो विधानसभा में चुनाव के लिए आए हैं, तो अपने जो है चुनावी मुद्दे क्या हैं, किस स्तर के मुद्दे लेकर के आप जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं, जिनको जनता के समझ क्या लेकर के जा रहे हैं? सबसे अहम मुद्दा मेरी विधानसभा का जो मैंने 3 चिन्हित करे हैं, शिक्षा, चिकित्सा और सड़क, और इसके बाद बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। जो पिछली गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ ज़्यादातर प्रदेश में लड़के हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार घूम रहे हैं, मैं रोज़गार देने की पूरी कोशिश करूँगा। ये थे हमारे साथ 117 विधानसभा दातागंज की बात की जाए तो घोषित प्रत्याशी थे बीएसपी से, और इनका मानना भी है कि जो युवाओं को रोज़गार है और जो 117 विधानसभा के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है आगामी आने वाले समय में, अगर बीएसपी की गवर्नमेंट बन के आती है तो हम उनको उस जो है संभवतः पूरा करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन न्याजी के साथ विजय राठौर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, बदायूं। सीतापुर के लहरपुर नगर क्षेत्र में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े सड़क पर ऑटो खड़ा करने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने एक ऑटो चालक को जमकर पीट दिया।
इतना ही नहीं, मौके पर दो होमगार्ड भी मौजूद थे, वो भी इस दौरान बेबस दिखाई दिए। दबंगई का आलम यह रहा कि पुलिस की मौजूदगी में भी दबंगों की तरफ से गरीब ऑटो रिक्शा चालक की इस तरह पिटाई कर दी गई। वहीं अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पीड़ित की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई है। अब पुलिस मामले में क्या कार्रवाई करती है, ये देखना अहम होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीतापुर की तस्वीरें हैं, जहां दबंगों की दबंगई सरे रहा देखने को मिली और ये कैमरों में भी कैद हो गई, जिसके बाद किसी ने इसको अपलोड कर दिया और अब ये सोशल मीडिया पर भी वायरल है। तो आप देख सकते हैं किस कदर बेरहमी के साथ ऑटो चालक की दबंगों ने पिटाई कर दी। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता में जमकर बर्फबारी हुई। स्थिति यह है कि चोपता के होटल लॉजों की छत पर भी बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। चोपता बद्रीनाथ हाईवे भी पूरी तरह बर्फ से ढक चुका है, जिसके चलते चार दिनों से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप है। तो चोपता बद्रीनाथ हाईवे ठप है, इसकी वजह है बर्फबारी का कहर। देख सकते हैं किस कदर बर्फ की चादर ने सब कुछ ढक दिया है, क्या मकान हो, क्या सरकारी दफ्तर हो, या फिर क्या सड़क, या फिर क्या हाईवे हो, चोपता बद्रीनाथ हाईवे भी इसकी चपेट में है। और चार दिनों से चोपता बद्रीनाथ हाईवे बंद है, क्योंकि वहां पर बर्फ की एक मोटी चादर जो चढ़ी हुई है, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बर्फबारी के चलते किस कदर सब चीज़ें एक तरह से ठहरती हुई सी नज़र आ रही है। देश में कोरोना बेकाबू रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 1,94,720 नए मामले सामने आए, जबकि 442 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 60,406 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,60,510 हो गए हैं, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 9,55,319 हो गई है। वहीं ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 4,868 हो गए हैं। कोरोना महामारी से देश में अब तक कुल 4,84,655 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना की इस रफ्तार के बीच वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर के साथ चल रहा है। अब तक 153 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है। देश में मंगलवार को कोविड रोधी टीके की 76,68,282 खुराकें लगाई गई, जिसके साथ ही देश में अब तक टीके की 153.7 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये सभी जानकारी दी गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के चचेरे भाई जसविंदर सिंह धालीवाल मंगलवार को चंडीगढ़ में बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं पंजाब चुनाव से पहले जसविंदर का बीजेपी का दामन थामना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। बता दें कि पंजाब में 14 फरवरी को एक चरण में चुनाव होंगे। वहीं इससे पहले पूर्व विधायक अरविंद खन्ना, शिरोमणि अकाली दल के नेता गुरदीप सिंह गोशा और अमृतसर के पूर्व पार्षद धर्मवीर सरीन समेत पंजाब के कई नेता मंगलवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। तो पंजाब से भी ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर अब दल बदल की राजनीति शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक बड़ा झटका यहां कांग्रेस को लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई, जो कि चचेरे भाई हैं चरणजीत सिंह चन्नी के, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये एक बड़ा झटका, एक बड़ा डेंट साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के चचेरे भाई ने अब बीजेपी का रथ पकड़ लिया है, बीजेपी की गाड़ी पकड़ लिया और इसी पर सवार होकर वो आगे चुनावों की मंजिल पर निकल चुके हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में कोविड 19 संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्राइवेट ऑफिस और उनके कर्मचारियों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजधानी में अब सभी प्राइवेट दफ्तर अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कोरोना महामारी के बीच अब कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का नियम का पालन करना अनिवार्य है। डीडीएमए का ये आदेश आज से लागू हो गया है। वहीं डीडीएमए ने ये भी साफ किया है कि प्रतिबंध में छूट प्राप्त कुछ दफ्तरों को खोला जा सकता है। डीडीएमए के दिशा निर्देशों में जरूरी सेवाओं से जुड़े निजी दफ्तरों को छूट दी गई है। इसके साथ ही राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब सभी रेस्टोरेंट और बार में बैठकर खाना खाने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि होटलों से खाना पैक कराकर ले जाने की इजाजत दी गई है। कोरोना की स्थिति को लेकर राज्यपाल की अध्यक्षता में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में समीक्षा की गई। इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहां पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहां पर शराब के ठेके दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं। हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया। तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड, तिलक चावला के साथ, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट 9 में हम बात करेंगे उस परत दर परत की, जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट 9 पर। देखिए भारत एट 9 कावेंद्र चौहान के साथ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिजनौर के नगीना के अल फैजान मुस्लिम फंड के दफ्तर में फंड का संचालक रातों रात 200 से ज्यादा खाता धारकों की जमा पूंजी और जेवरात लेकर फरार हो गया। यह फंड पिछले 5 सालों से बखूबी चल रहा था। गरीब परिवार के लोग एक एक पैसा बचाकर फंड में जमा करते थे, ताकि बुरे वक्त में इनका पैसा काम आ जाए। खाता धारकों को जैसे ही इनके भागने की भनक लगी, तो खाता धारक बंद पड़े फंड के दफ्तर पर जमा हो गए। हालांकि घंटों तक खाता धारकों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन सभी बेअसर रहे। घंटों चले हंगामे में पुलिस भी मौके पर पहुंची। खाता धारकों ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। भाई साहब, इसमें बैंक में सरकारी प्राइवेट बैंक है, इसमें पैसे रख दिए थे। बैंक है, बैतुल माल है ये, इसमें पैसे रख दिए थे। और विदेश जाने के लिए थोड़ी सी सोने की चीजें इसमें रखती थी, लगभग 8.5 तोले के लपेट में है, और 76,000 में रखी है। पता नहीं चल रहा है कहाँ गया, ये बंद पड़ा है। और मेरी तरह और भी बहुत सारे लड़के हैं जो इस तरीके के रखे हैं। कौन से बैतुलमान में खाता था आपका? क्या नाम है बैतुलमान का? अल्फैजान। आपके कितने रुपए पड़े हैं इसमें? मेरे इसमें 4.5 लाख। कब से जमा कर रही थी आप? तो 2-3 साल हो गए। मैं तो 2 FD, तो 2-2 साल वाली। आप यहाँ खुद जमा करने आती थी या घर को ही आता था? ललित आता था। सिद्धार्थ नगर के गोलहौरा थाना क्षेत्र में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती युवक की चप्पलों से पिटाई करती नजर आ रही है। वीडियो करीब 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। हालांकि मामले में थाने में कोई तहरीर नहीं दी गई है। तो
तुम्हारे चल यहाँ क्या है अमित जानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उनको एक साल पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सिवाल खास विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया था। तभी से अमित जानी सिवाल खास सीट पर तैयारी कर रहे थे, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया। ऐसे में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की पार्टी इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में इस सीट से किसी और प्रत्याशी के आने की संभावना है। फिलहाल अमित जानी के टिकट को काट दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने पर सपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष कैसर जमाल टीटू, बजरंगी यादव सहित कई नेताओं ने उनके फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजा दिया था। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन कर लिया है। तो आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद से अब बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए सपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष कैसर जमाल टीटू, बजरंगी यादव सहित कई नेताओं ने उनके फैसले का स्वागत किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। विधुना के विधायक विनय शाक्य, जिनके लापता होने की बात परिवार ने कही थी, उनका बयान सामने आया है। विनय शाक्य ने लापता या अपहरण की बात को गलत बताया और कहा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में जाएंगे। हालांकि अब तक मौर्य का खुद सपा में जाना साफ नहीं है। विधुना विधायक विनय शाक्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाने की सहमति जताई है। उन्होंने अपहरण होने की बात का खंडन किया है। विनय शाक्य का स्वास्थ्य खराब है और पैरालिसिस होने के कारण वो साफ बोल नहीं पाते। अस्पष्ट शब्दों में शाक्य ने सपा में जाने की बात कही। इतना ही नहीं, विनय शाक्य की माँ और भाई ने अपहरण की बात का खंडन किया है। रानीपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत राय इस समय डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। इस बीच आपको बता दें कि डोर टू डोर की ये तस्वीरें हैं जो कि प्रशांत राय कर रहे हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आप ये देख रहे हैं रानीपुर विधानसभा की तस्वीर, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत राय इस समय डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। देखिए, डोर टू डोर आप लोग भी चल रहे हैं, पत्रकार महोदय सब लोग देख रहे हैं। महिलाओं में और युवा में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के बदलाव करने का, क्योंकि वो लोग हमसे बात करते हैं, तर्क करते हैं और वो कहते हैं कि 5 साल में आज तक कोई नहीं आया, वोट लेने आते हैं उसके बाद नहीं आते हैं। जब हम उन्हें अपनी पार्टी की नीतियाँ बताते हैं तो उनको आश्चर्य लगता है। कई बार तो कई लोग कहते हैं कि हमने बिजली का कार्ड बनवा रखा है, हमने रोज़गार गारंटी का आपका कार्ड बनवा रखा है,
कुछ लोगों को जैसे नहीं लग पाता, जैसे हमारे कार्यकर्ता लोग नहीं पहुंच पाए हैं, तो वहां पे हम जाते बताते हैं उन महिलाओं को कि ये सब सुविधाएं यहां जो हम दे रहे हैं पर्चे के माध्यम से बता रहे हैं और मुंह से बताते हैं, तो कहते हैं ऐसा होता है क्या? हमने कहा ये पूरे भारत में दिल्ली में होता है, तो आसपास के कोई लोग जब बताते हैं कि हाँ जी दिल्ली में ये सब चीज़ होती है, तो उन्हें आश्चर्य होता है। आश्चर्य होकर जब उन्हें यकीन हो जाता है कि हाँ ये दिल्ली में हो सकता है, तो उत्तराखंड रानीपुर में भी हो सकता है। उत्तराखंड में इस समय चुनाव नजदीक है, इसी को लेकर पार्टी के प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर जनता से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। ऐसे में भगवानपुर से बीएसपी प्रत्याशी सुबोध राकेश से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। इस दौरान क्या कुछ कहा सुबोध राकेश ने, आपको सुनवाते हैं। 2022 विधानसभा का चुनाव अपने चरम पर है और जो पार्टियों के प्रत्याशी है वो डोर टू डोर जाकर जनता से अपने समर्थन की अपील कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भगवानपुर के हनुमजरा गांव में, यहां पर बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश जी डोर टू डोर घूमकर जनता से अपने समर्थन की अपील कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे किस प्रकार से वो जनता के सामने जाकर अपील कर रहे हैं और क्या मुद्दे जनता के सामने हैं, कैसे जनता का समर्थन उनको मिल रहा है। थोड़ा भी जाने जाएंगे, आज आप हनुमजरा गाँव में हैं, विधानसभा के हर गांव में आप जा रहे हैं, किस प्रकार का समर्थन आपको जनता से मिल रहा है और क्या मुद्दे आपके जो है जनता के बीच में हैं? अपार जनता का समर्थन है, अपार, चारों तरफ से प्रत्येक गांव में प्रत्येक समाज के लोगों के माध्यम से बहुत बड़ी तादाद में समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से लोग मन बना चुके हैं कि अब की बार इस व्यवस्था को यहाँ पर बदलना है, जिसने 7 सालों में इस क्षेत्र को बर्बादी की दरार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे नेताओं को यहाँ से कुर्सी से हटाना है जो काम नहीं करना जानते, जो विकास नहीं करना जानते, जनता का सम्मान नहीं करना जानते, ऐसे नेताओं को इतनी बड़ी कुर्सी से हटाकर जनता की सेवा करने वाले, मजबूती के साथ विकास करने वाले, सिस्टम को आगे बढ़ाने वाले मजबूत नेताओं को अब की बार कुर्सी पर बैठाना है। ये क्षेत्र की सम्मानित जनता तय कर चुकी है। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, हर गांव में आपका आना जाना हो रहा है, मीडिया के बंधु आप लोग देख रहे हैं, लोगों से बातें भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं कि किस प्रकार की अब के बार लोगों में किसके प्रति भावना बन गई है कि वोट किसको देना है। आप लोगों के सामने सारी चीज़ें निश्चित रूप से बहुत बड़ा जनसमर्थन। अगर बात करें और दूसरी पार्टियों की, भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जो कि उनका बयान है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है और राकेश परिवार से जो है छुड़ाकर अब उनकी झोली में, आम आदमी पार्टी की झोली में सीट को भेजेंगे, क्या करें? देखिए अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का तो व्यवस्था ही यहाँ पर पूरी तरह खराब होती है। ऐसा कोई नेता यहाँ पर नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर मजबूती से खड़ा हो सके। आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता, क्योंकि उन लोगों के माध्यम से जिन लोगों ने इस पार्टी की व्यवस्था पिछले 2017 के चुनाव में खराब की थी, उसके खिलाफ सुबोध राकेश के साथ समर्थन के लिए खड़े हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर कहीं भी किसी व्यवस्था में अब की बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी आए वो निश्चित रूप से मात्र अपनी जमानत ही बचा पाएगा, इसके अलावा और कोई व्यवस्था उसके पास नहीं है। दूसरी बात आम आदमी पार्टी की अगर हम करें, घूम रहे हैं वो हमारे बड़े भाई हैं प्रेम सिंह जी, लेकिन कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, ना तो यहाँ कोई केजरीवाल की बात को जानता है, ना यहाँ उनको कोई जानता है। ये जरूर है कि प्रचार हो रहा है उनका, बड़ी व्यवस्था लग रही है, बजट भी बहुत दिल्ली से आ रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।